धीरे हाल हाल चम से झलकती मक्का एक दाना जैसे फूट के निकलती दाना दाना बिखराती बत्ती से तोड़ के बस यही रोक दो। लेकिन साहब एयरपोर्ट तो थोड़ा और आगे है। मुझे यही उतरना। जी बहुत अच्छा। लेकिन साहब 40 रुपए ही हुए। ये आपका है? हाँ मेरा है। टैक्सी टैक्सी। कहाँ जाने का है सर? राकेश शर्मा, गुलमोहर क्रॉस लेन नंबर 6। जो अरे मधु अब जल्दी भी करो यार, वी गेटिंग लेट। उफ ये औरतें भी ना दो दो घंटे रगड़ रगड़ कर नहाती हैं, समझती नहीं कि शरीर से ज्यादा सफाई की जरूरत इनके दिमाग को है। अरे मधु चिल्ला क्यों रहा है राकेश? मधु तुम आ गए? मैंने देखा नहीं। अब मधु देखो थोड़ा सा तो ख्याल रखो यार, हमने किसी को डिनर पर बुलाया है, उसके होटल पहुंच जाने से पहले हमें होटल पहुंच जाना चाहिए। वी आर द होस्ट मधु। घर का घर होता तो सुनील को घर पे ही बुला लेते, होटल जाने की झंझट ही नहीं करनी पड़ती। मधु यू नॉट डन, तुम फिर घर को कोस रही हो। एक्सक्यूज मी मैडम बट अकॉर्डिंग टू बॉम्बे स्टैंडर्ड्स दिस इज अ वेरी गुड फ्लैट। एग्जैक्टली फ्लैट लाइक अ पिजन होल। व्हाट? यहां ना फ्रेश हवा है ना सूरज की रोशनी, ऊपर वाले मिक्सर चला दे तो ऐसा लगता है भूकंप आ रहा है। पड़ोसी सुन ले, इस तरह से झगड़ा भी धीमी आवाज में करना पड़ता है। मधु इसका मतलब जोर जोर से झगड़ा करने के लिए तुम्हें इंडिपेंडेंट बंगला चाहिए? जी नहीं, मुझे अपनी लाइफ की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए खुद का घर चाहिए। यहाँ जो भी कभी भी चला आता है। कैसा है कनक आया? नहीं आप मधु आइए। यो तुम कितना सुंदर दिखता है, कितना बेसन में लपेट। लेकिन आंटी आप तो इतनी अच्छी इडली बनाती है, फिर आप पकौड़े? देखो जी मैं तुमको रोज इडली देके जाता जाता कि नहीं? वो स्वीपर बोला कि तुम्हारे डस्टबिन में रोज इडली मिलता है। हमको लगा कि तुमको इडली पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं आंटी, हमको इडली बहुत पसंद है। वो स्वीपर झूठ बोलता, आपका दुश्मन है। अरे हम तो आपकी इडली बहुत शौक से खाते हैं दोनों। हाँ सच्ची? हाँ अब इडली भी बनाया, अब अभी लेके आता। अरे नहीं आंटी, वो आंटी आपने पकौड़े ही बनाए ना, तो पकौड़े ही सही। तो ठीक है अब अभी पकौड़ा लेके आता, तुम कहेंगा ना? हाँ ठीक है। खराब कर दी मेरी। कोई बात नहीं यार, पानी से धो लो और चलो, वी गेटिंग लेट, वैसे भी दिखेगा नहीं। चलो मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब बाजू हटने का। आ गई आप? यस। नो 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 नो, मतलब क्या है ना, आई तो है लेकिन आने के लिए नहीं आई है। अभी मेरे को मातू साहब के उधर भांडी घासने का है, तो अभी मैं सीधा एकदम मॉर्निंग को आएगी। ये बताने के लिए आप आई हैं? यस। नो नो नो, एक्चुअली मैं ना मैं कुछ और बताने को आई है। कायरे देवा, अरे हां वो बाहर ना एक बुड्ढा खुसट आया है, सबको पूछता है, एकदम 420 दिखते हैं चेहरे से। और आपको मालूम है हम सब बाहर और टैक्सी वाले को पता नहीं किस बात पे ये जोर से थप्पड़ मारा। सॉरी सॉरी, साहब का रिलेटिव बोलता है, लेकिन चेहरे से एकदम। मैं अंदर भेज दूं उसको? नहीं मतलब क्या है ना मैम साहब, आप बोलेंगी तो मैं उसको अंदर तो भेज देगी, मैं अंदर भेजेगी तो वो इधर रह जाएगा, मतलब वो बुड्ढा इधर रहेगा तो मेरा काम बढ़ेगा, तो मैं क्या करती है ना उसको फुटाइश देती है। अरे नहीं नहीं उसको फुटाओ मत, ना जाने कौन हो वो, अंदर भेज दो उसको। उसको अंदर भेज दूं? हां ठीक है,
लेकिन क्या है बाबा, चौकस रहे हैं क्या? अभी क्या मुंबई में रिलेटिव को लेगा ना तो घर पर रहेगा और खाली पीली एकदम चंपी कर देगा। लेकिन साहब मैं क्या बोलता हूँ, मैं भाई से क्यों, मेरे को करे, मैंने तो बोला बाबा। अब कौन आ गया? 4 साल में 12 प्राइम मिनिस्टर बदल गए इस मुल्क में, मगर ये कंबाइन टैक्सी वाले नहीं बदले। कहते हैं कि लगेज का किराया अलग देना होगा। ये लगेज है? ये लगेज है जी। तुम राकेश हो जी? अरे बेटा जब भी बात है बाहर टैक्सी वाला खड़ा, फिर 40 रुपए जाके दे दो जी। चेंज नहीं है मेरे पास, दे दूंगा छुट्टे करा जाओ जी। तो यहाँ रहते हो तुम लोग जी? हाँ, लेकिन रेंटल फ्लैट? नो, कंपनी फ्लैट। फ्लैट और पिजन होल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह के घर ना खिड़की ना कोई रोशनदान, लगता है कि जानवरों को एक दड़बे के अंदर बंद कर दिया। ना कभी सूरज से हलो हाय हो पाती है, ना कभी ताजी हवा का पता चल पाता है। ऐसा भी नहीं है, बाय बॉम्बे स्टैंडर्ड दिस इज अ वेरी गुड फ्लैट। वो मैंने टैक्सी वाले को 40 रुपए दे दिए। ना छुट्टे करा के दे दूंगा। देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब? वो आपने टैक्सी वाले को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता मेरा अपने आप पर। देखिए मैंने आपको पहचाना नहीं है। अपनी आंखों का इलाज करवाओ, मैं मामा हूँ तुम्हारा। मामा? मामा का मतलब नहीं समझते? माँ का भाई। अब मेरी तो माँ का कोई भाई नहीं है। जानता हूँ, सगा नहीं था, दूर के रिश्ते का भाई हूँ। तुम्हारे माँ की मौसेरी बहन तो है। हाँ है ना, वो बिल्लो मौसी। वही बिल्लो मौसी का मैं सगा भाई हूँ। बिल्लो मौसी नागपुर वाली। लेकिन बिल्लो मौसी तो कानपुर में रहती है। हाँ, बिल्लो मौसी तो कानपुर में रहती है। अच्छा, अब रहती होगी, पहले नागपुर में रहती थी मेरे अमेरिका जाने से पहले। अमेरिका? अमेरिका 25 साल पहले गया था मैं। केटरिंग से शुरुआत की, अब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का मालिक हूँ। 12 डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, 8 होटल की चेन है, गाड़ियों की गिनती बार बार भूल जाता हूँ। माफ कीजिएगा, आपका नाम? मनोहर लाल पूरा नाम, एम लाल छोटा नाम। मामा जी, आप अमेरिका जाने से पहले कहाँ रहते थे? अमेरिका जाने से पहले किस शहर में रहता था? तुम्हारे पिताजी किस शहर में रहते थे? अब भोपाल में? बस भोपाल। मैं भी वहीं पर रहता था। उम्र के साथ साथ मेरी याददाश्त भी कमजोर हो चली है। अभी फ्लाइट से भोपाल से ही आया और भूल गया। ये बहू है? जी हाँ, ये मधु है, अब मेरी वाइफ। नमस्ते। नमस्ते। पैर छुओ, कोई कच्चर बच्चर का ख्याल है कि नहीं है? कंप्यूटर है, इंटरनेट है इसमें? जी हाँ है। वेरी गुड। अच्छा बेटा सुनो, ऐसा करो, ये सामान बेडरूम में रख दो, मैं कंप्यूटर के साथ थोड़ा बैठूंगा और बातचीत तुम लोगों से बाद में। ओके। बिन बुलाए मुसीबतें आती इस घर में, अब जाना है कि नहीं? जाना तो है, लेकिन मामा जी से क्या कहेंगे? कह देंगे काम से जा रहे हैं। वैसे भी किसी अजनबी को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है क्या? वो अजनबी नहीं, मेरे मामा जी हैं। Are you sure वो तुम्हारे मामा हैं? Sure तो नहीं हूँ, लेकिन लगता है ना? कैसे लगता है? उन्होंने मुझसे टैक्सी का पेमेंट करवाया। तो छुट्टे पैसों का बहाना करके दूसरे लोगों से पेमेंट कराना हमारे खानदान वालों की पुरानी आदत है मधु। वाह, क्या लॉजिक है। You shut up woman! हमारी पड़ोसन है। तो पड़ोसन है तो पड़ोस में रहे ना, मेरे सर पर क्यों सवार है? और मैं कोई इनका नौकर नहीं बैठा हूँ कि इनके हर सवाल का जवाब देता रहूं मैं। अयो, तुम्हें तो गुस्सा होता चला जाता भाई साहब। हम आपके पास नहीं आया, हम इन दोनों के लिए पकौड़ा लाया। क्या लाया? पकौड़ा। कहाँ है? Delicious.
पकौड़े मेरी वीकनेस है। अब मैं तुम्हें कंप्यूटर के बारे में एक एक डिटेल बताऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? ये क्या होता जी? आंटी के तीन बच्चे हैं। तीनों के तीस हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पकौड़े इंपॉर्टेंट। कहाँ की रहने वाली हो? तुम किधर का रहने वाला जी? मेरा तो कोई एक ठिकाना है। फिर भी किधर तो पैदा हुआ ना। राकेश बेटे, तुम्हारी मौसी कहाँ की रहने वाली थी? जी मेरठ की। तो मैं भी मेरठ का हूँ। अरे आप तो कह रहे थे आप भोपाल से। भाई भोपाल ग्रेजुएशन करने गया था। पकौड़े खाओ। नो थैंक यू। तो फिर मेरे नहाने का इंतजाम कर दो जी। भाई बाथरूम में एक फ्रेश टॉवल, शैम्पू और नहाने का साबुन कौन रखे? एक बात बताओ, ये तुम्हारा मामा मामा ना? हाँ? ये हमेशा ऐसे ही करते हैं? आंटी हमेशा का तो पता नहीं मुझे, मैं पहली बार मिल रहा हूँ ना। पहली बार? माफ करना, तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया, खबर ही लेट मिली। वैसे ससुराल वालों ने जेवर वगैरह तो दिए होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? जी नहीं। इसका मतलब सारे जेवर हैं तुम्हारे पास? जी। मामा आपने तो आंटी को डराई दिया। नो शी इज सच अ नाइस लेडी। व्हाट नाइस? पकौड़े अच्छे बनाने से कोई नाइस थोड़ा हो जाता है। जाहिल औरत है वो। इस वक्त मुझसे कहती है गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो किसी अंग्रेज के घर में भी पैदा होती तब भी अंग्रेजी नहीं बोल पाती। मामा जी मैंने आपका खाने का ऑर्डर दे दिया है, आप खाना खाकर थोड़ा आराम कीजिए, हम लोगों को जरा जाना है। जरा जाना है? जरा नहीं जी, पूरा जाना है। एक्चुअली हमें कुछ जरूरी काम है। अमेरिका से आए हुए मामा को अटेंड करने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? दरअसल हमने एक लड़के को डिनर पर बुलाया है, मेरी बहन की शादी की बात चल रही है उससे। तुम्हारी बहन की शादी की बात चल रही है और तुमने मुझे बताया नहीं? लेट्स गो। लेट्स गो? हां लेट। भाई शादी ब्याह की बातचीत के लिए परिवार के किसी बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। लड़के के साथ बातचीत की जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर छोड़ो। मैं थोड़ा सा वॉशअप कर लेता हूँ, तुम चाहो तो तुम भी चेंज कर लो। ओके गुड आइडिया मधु, तुम भी अपनी साड़ी बदल लो। सो यंग मैन, माता जी को साथ नहीं लाए? मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा। वैसे आजकल मौसम भी ठीक नहीं है, माता जी को नहीं तो फिर पिताजी को साथ ले आते। हम पहले ऑर्डर प्लेस कर दे। यस यस। ऑर्डर छोड़ो भाई, पिताजी कहाँ है तुम्हारे? जी वो मामा जी, एक्चुअली बात यह है कि सुनील के मम्मी पापा ने आपस में डिवोर्स ले लिया है। क्या ले लिया? आपस में डिवोर्स ले लिया है मामा जी। डिवोर्स? व्हाट इज अ डिवोर्स? मामा जी धीरे। भाई व्हाट धीरे? कमाल है यार, तुम्हारे माँ बाप ने डिवोर्स ले लिया और तुमने डिवोर्स लेने दिया उनको। व्हाट काइंड ऑफ अ सन यू आर? तुम अपने माँ बाप को समझा नहीं पाए? व्हाट वाज द रीजन? राकेश मधु मामा जी ये इनका पर्सनल मामला है। डिवोर्स का मामला पर्सनल नहीं, सोशल होता है और इसका असर सोसाइटी पर पड़ता है और जो असर पड़ता है वो बहुत ही बुरा और घटिया होता है। एंड इट इज बिकमिंग अ रेगुलर प्रॉब्लम इन इंडिया। वेस्ट वालों से हमने अच्छी चीजें नहीं सीखी हैं, सीख लिया है डिवोर्स लेना। ये कल्चर की लड़ाई है एंड वी मस्ट फाइट इट आउट, वी मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज। राइट सनी, यू डोंट राइट, यू डोंट राइट। हम तुम्हारे माँ बाप के पास जाएंगे और उन्हें फिर से एक करने की कोशिश करेंगे। yes. Kesh, for God's sake, please change the topic. Why should we change the topic? What was the reason? Tell me, what was the reason? तुम्हारे पिताजी का किसी के साथ अफेयर? Not at all. पिताजी का नहीं तो माताजी ने किसी के साथ? देखिए आप, बेकार। राकेश, मैं अभी चलता हूँ। यस सुनिए, हम बाद में मिलते हैं। Shut up! What बाद में मिलते हैं? मैं तुम्हारे माँबाप का उजड़ा घर बसाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें जाने की सोच रही है। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अजीब आदमी हो तुम, अपने माँ बाप को एक साथ नहीं देखना चाहते क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मुझे जाने दीजिए। प्लीज मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर प्लीज गिव मी योर फादर्स एड्रेस। प्लीज लीव मी विद यू। आई लीव यू एंड आई हैव लेफ्ट यू, नाउ यू कैन लीव। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय। यू आर वेलकम। खाना खा ले? जरूर जरूर, कबाब का ऑर्डर दे दे। कबाब? कबाब? हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि तुम्हें और मुझे भूख नहीं है और इनका खाना घर पे आ चुका होगा। लेट्स गो।
जाओ। माँ बाप को मिलवाना चाहता था वो नालायक, ऐसे अकड़ कर चला गया मानो। बहू मैं तो तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ऐसे आदमी को अपने फैमिली की लड़की नहीं देनी चाहिए, पीरियड। चल भाई। अरे साहब आप? हाँ मैं तो। अरे आप तो वही है ना जो अभी शाम को रेलवे स्टेशन से मेरी टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट गए थे, और फिर एयरपोर्ट से आपने दूसरी टैक्सी ली थी और वही सड़क पे आपने कपड़े भी बदले थे। तुम्हें गलतफहमी हो गई। अरे नहीं साहब, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, बल्कि मेरा तो ये सोच सोच के भेजा खराब हो रहा है कि आखिर आपने ऐसा किया तो किया क्यों। तू ज्यादा दिमाग मत चला, गाड़ी चला वरना एक दूंगा छापड़ में। भाई बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं, अब खाना खाकर सीधे सोने जाऊंगा। तुम अपना बिस्तर हॉल में लगा ले, मामा हूँ इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। कुछ कहना चाहते हो? जी वो मैं जी आप... मैं कहना चाहती हूँ, बल्कि पूछना चाहती हूँ। पूछो। आपने बताया कि आप आज सुबह की फ्लाइट से भोपाल से आए हैं। और टैक्सी वाला कह रहा था कि मैं ट्रेन से आया। जी हाँ, टैक्सी वाला ठीक कह रहा। दरअसल जब मैं हिंदुस्तान में सफर करता हूँ तो ट्रेन में ही सफर करता हूँ, और वो भी सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास की चहल पहल मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिंदगी जैसे चारों तरफ उछाले भरती हुई दिखाई देती है। हवाई जहाज में ऐसा लगता है जैसे आप सवारी नहीं सामान है जिसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जा रहा है। प्लास्टिक स्माइल ओढ़े हुए वो एयर होस्टेसेस आपके पास आके पूछती हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी कॉफी नथिंग, आलू का भरता चाहिए। और फिर कानों में ठूसने को रुई दे देते हैं, चूसने को टॉफियां दे देते हैं, ताकि आप ना किसी की बात सुन सके ना कुछ बोल सके। किसी का किसी से मतलब नहीं, सब गैर पराए। और उधर ट्रेन में हाय हाय हाय, हर तरफ जिंदगी है, शोर है, झमेला है। धरती की महक लिए पसीने से सराबोर वो लोग, मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म चाय। चाय 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 चाय। भरे दिन में अगर तुम्हारी ट्रेन पहुंची किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, बड़ा शोर है, झमेला, हर तरफ मौजें मस्ती है। चाय 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 इधर आ, चाय 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 चाय, इनके साथ चाय लीजिए, पान भी लीजिए, पान भी लीजिए, हर तरफ लॉट ऑफ कमोशन, लॉट ऑफ कमोशन। हर स्टेशन से, छोटी पुलियाओं से, नदी नालों से, झाड़ झंकाड़ों से, गर्डर वाले पुलों से अपना नाता रिश्ता बनाती है। हिल रहे हो आप, छटक पटक ट्रेन चली जा रही है। छोटी सी पुलिया आई, वो तो छोटी सी पुलिया के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे बनाती है? छटक पटक छटक पटक छटक पटक छटक पटक छटक। एक ट्रेन आ रही है, चली आ रही है सामने से ट्रेन, उसके साथ भी ये आगे वाली ट्रेन अपना रिश्ता बनाती है। ये तुम्हारी ट्रेन, मेरी ट्रेन आ रही है तुम्हारे साथ, रिश्ता बन रहा है, मेल हो रहा है। ध्यान रखना, वो सोनपुर का गंगा का बड़ा लंबा पुल, मुझे ट्रेन में सफर करना पसंद है। झूठ इसलिए बोलना पड़ा कि तुम लोग सोचते कि मामा कंजूस है, फ्लाइट के पैसे बचा रहा है, इसलिए मैं स्टेशन से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से दूसरी टैक्सी ली, और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर तुम्हारे घर पर आ गया, ताकि बिल उतना ही बने जितना एयरपोर्ट से तुम्हारे घर का बनता है। लेकिन मामा जी, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का किराया उतना है जितना एयरपोर्ट से यहाँ तक का बनता है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। I didn't know it. अगली बार सीधा स्टेशन से आऊंगा, ओके? मैं चेंज करके आता हूँ।
राकेश, ये आदमी तुम्हारा मामा नहीं है। क्या बात कर रही हो मधु? आई एम 100% श्योर कि ये आदमी मेरे मामा जी हैं। देखो ना, इनको ट्रेन की सेकंड क्लास जर्नी पसंद है, मुझे भी ट्रेन की सेकंड क्लास जर्नी बहुत पसंद है। वो लोगों से बातें करना, वो सेकंड क्लास के लोगों से पेपर मांग के पढ़ना, वो कुल्लड़ की चाय, वो मूंगफली और वो ट्रेन की सुरीली आवाज, सटक पटक सटक पटक। शट अप, सटक। ये आदमी झूठा है, इसकी किसी भी बात का कोई ठिकाना नहीं, हर बात तुम्हारे मुंह से उगलवाता है, ऊपर से ये झूठ। जो आदमी दूसरों के फटे में टांग अड़ाए, रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाए, फिर एयरपोर्ट से टैक्सी लेके घर आए, ऐसे अजीब किस्म के कैरेक्टर हमारे खानदान में ही पैदा होते हैं। मधु, राकेश मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम अभी बिल्लो मौसी को फोन करो और असलियत का पता लगाओ। फोन करो। ओके फाइन मधु, मैं बिल्लो मौसी को फोन कर लेता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू गोइंग टू रिग्रेट। आई एम 100% श्योर कि ये आदमी मेरे मामा जी हैं एंड यू विल सी इट। इनका तो आंसरिंग मशीन ऑन है, लगता है सो गए। लो देखो, ये भी सो गए। देखा मधु, भाई और बहन में कितनी सिमिलैरिटी है। राकेश, अब कौन? अरे सविता, आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया तेरा, आज मातुर साहब की कोई सेवा नहीं है क्या? अरे सविता, डांडर है सविता, बुड्ढा इधर ही चिपक गया ना। हाँ, कहता है राकेश का मामा है। अल्लाह, ये बोला मामा, वो बोला चाचा, मेम साहब लफड़ा, क्या बकबक कर रही है? अरे ये पढ़ो ना मेम साहब, हेडलाइन में जाया है ना, चाचा बनकर हत्या और लूट। मेम साहब, पूरा 5 केस हो गया लाए और हर केस में हस्बैंड और वाइफ को एक एकदम टपका डाला है। तुम लोग के माफिक क्या खुशबू हो रही है सुबह सुबह। राकेश इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया? मैं सब साहब को दिखा। राकेश, ये 5वां केस है और हर केस में हस्बैंड वाइफ को टपकाया है। टपकाया है मधु? मेरा मतलब है हस्बैंड वाइफ को मर्डर किया है। तुम लोग का नंबर छटा है। बकवास मत करो, कुछ भी बोलती हो। मधु डोंट वरी, दिस इज जस्ट न्यूज़। हां, मुझे नहीं लगता मामा जी का इससे कोई रिलेशन है। मामा, मामा के बारे में क्या बात हो रही है बच्चा लोग? मामा जी, आप चाय लेंगे? यस। नियम साहब, मैं तो चलती है, बाद में आएगी। एक्सरसाइज मैं पण करेगी। ये औरत भाई? हाँ भाई है, यही काम करती है। आप चाय लीजिए ना। बेटा, इस उम्र में हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे? नहीं नहीं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तुम? हेल्थ इज वेल्थ। चलो मेरे साथ जॉगिंग करेंगे। बहू तुम भी साथ चलो, मैंने तुम्हारे कबर्ड में से जॉगिंग सूट निकाल दिए। चलो 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 चलो, जल्दी करो, चेंज करके आओ फटाफट। और सुनो, घर में जब सर्वेंट हो तो कबर्ड लॉक करके रखा करो, बहू के जेवर भी कबर्ड में खुले पड़े। Go and change. Yes, fast. बस आके। Come on, come on. भाई। बैठो। बस। दो राउंड में ढेर हो गए तुम दोनों। मैं तो अभी कम से कम 10 राउंड और लगाऊं। हाय मधु। हाय राकेश। हाय मोना। तुम लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हाँ, वो मामा जी ले आए। हाय मौना। हेलो। तुम्हारा नेकलेस काफी खूबसूरत है, बहुत महंगे डायमंड्स पहने हुए। बाय मधु। अच्छा राकेश, मैं चलती हूँ। बाय बाय मौना। मौना विद सोना, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। राकेश, आई एम श्योर ये आदमी फ्रॉड है। How can you be sure, Madhu? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसकी नजर पूरे टाइम जेवरों पर होती है, जेवरों के बारे में पूछताछ करता रहता है, यहाँ तक कि कबर तक खोलकर देख लिया। और आज सुबह के अखबार की वो खबर? मधु, इतनी जल्दी तुम किसी के बारे में डिसीजन कैसे ले सकती हो? और देखो, मामा जी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं। और तुम्हारे फैमिली के सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है। इससे साबित होता है कि वो तुम्हारी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मधु। राकेश, तुम और तुम्हारी ये लॉजिक। क्या हुआ? पता है,
इनके इनोसेंट होने का एक सबूत है। कैसे 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 कैसे? तुम्हारी फैमिली के लोग किसी से भी 2 मिनट में दोस्ती कर लेते हैं। देखा और तुम बेकार में मामा जी। शट अप राकेश, देख नहीं रहे हो पूरा कबर्ड उलट पुलट कर दिया है। लगता है हर चीज की बारीकी से छानबीन की है। फौरन तैयार हो जा, हम ऑफिस जाने से पहले बैंक जाएंगे। मैं लॉकर में अपने सारे जेवर रख दूंगी। क्या बात है मिस्टर शर्मा, आज आपकी पूरी फैमिली बैंक के चक्कर काट रही है। पूरी फैमिली? हाँ, अभी आपके मामा जी आकर गए हैं। मामा जी? हाँ, मुझे लगता है कि बीच से जॉगिंग करते करते सीधा यहीं आ गए थे। देखिए ना कितनी सारी रेत बालू छोड़ कर गए। मामा जी क्यों आए थे? दरअसल वो आए थे आप दोनों के बैंक अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए। अब मैं आप दोनों से पूछे बगैर उन्हें कैसे बता देता, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो जूता उतार लिया उन्होंने, मुझे लगा कि मारेंगे, लेकिन वो तो जूता उतार के भरी हुई रेत यहाँ सब फैला कर चले गए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं इस रेत का करूँ तो क्या करूँ, इसीलिए मैं चपरासी के हाथों इसे आपके घर भिजवाने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि आप लोग आ गए हैं तो इसे संभालिए, खानदानी चीज है। थैंक यू। हाय सीमा। गुड मॉर्निंग मैम। एनी फोन कॉल्स? नो, समवन इज वेटिंग फॉर यू इनसाइड। हू? He says he's a mama. आप यहाँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Please come, have your seat. Please. Please. Ah. Nice. Good office. तो तुम यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट देखती हो? लीगल एंड फाइनेंस। लीगल एंड फाइनेंस, ओह मतलब इट मींस चेक्स पर तुम्हारे ही सिग्नेचर चलते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं? बहू मैं तुमसे कुछ बातें अकेले में करना चाहता था। मुझसे? होती हैं कुछ बातें जो सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। मधु, ओह एक्सक्यूज मी, प्लीज कम इन शेखर। ये जो डेटा तुमने मुझे भिजवाए हैं इसमें फाइनल बैलेंस कुछ गड़बड़ लगता है। इधर जस्ट सीन योर फाइल। ए ए ए मिस्टर, जरा दूर खड़े रह के बात करो। ठीक सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे कहा कि जरा दूर खड़े रह के बात करो। पर जोर मैन यार। Don't call me a bahu. ये तो क्या कह रही है बहू? राकेश और मुझ में बहुत फर्क है। I'm not going to tolerate any of your nonsense. Get out, out. Hey Rakesh, where were you? Devani is waiting for you. But why? I'm on time today. Oh no. Oh no. Anyway, thanks. Good morning, sir. I'm sorry, sir. I'm late once again. वो क्या है कि मुंबई की ट्रैफिक सर बढ़ती चली जा रही है और कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मिस्टर राकेश, मैंने आपको इस कंपनी में ये सोच के रखा था कि आप एक शरीफ इंसान है, लेकिन अफसोस। किस बात का अफसोस है? तुमने न जाने कितनी बार अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदी टीचर के साइकिल का टायर पंचर किया, रास्ते पर केले का छिलका फेंक कर मोटे हलवाई को गिराया, और बड़े बाजार में तुमने बैल की पूंछ को पटाखा बांध कर तुमने आग लगाई। क्या क्या कह रहे हैं सर? तुम्हारे जैसा हाईली ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड आदमी और तुम 8 साल की उम्र तक अपना बिस्तर गीला करते थे और जब तुम्हारी मां तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगी तो तुम डॉक्टर का नाम सुनते ही अपनी पैंट में सर प्लीज सर, और पिक्चर हॉल में फाइटिंग सीन देखकर तुम
तो किसकी सीट पर एक सर देखिए सर, बचपन में मुझे बीमारी थी और अब नहीं है। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये बातें आपको किसने बताई? तुम्हारे मामा जी अभी अभी आए थे। What a perfect gentleman he is. मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरे मामा जी यहाँ क्या करने आए थे? तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए। ये लो, इस पर साइन करो। ये क्या है सर? तुम्हारा कंसेंट है। मैं तुम्हारे अकाउंट में से तुम्हारे मामा जी को 2 लाख रुपए लोन दे रहा। What? बदमाश! चल बिना तुर की साइन कर दे। मैं साइन करके नहीं करूंगा। और रही मेरी मामा जी की बात, मैं उससे भी देख लूंगा। राकेश, राकेश सुनो मेरे। ओह माय गॉड, तो ये गुस्से में अपने पैंट में ना कर दे फिर से। इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। Now you have to accept the truth. He is not your mama, Rakesh. He is a fraud. वो आदमी हमें बेवकूफ बनाकर हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। सुन रहे हो राकेश? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है मधु। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसको मेरे बचपन की इतनी सारी बातें कैसे मालूम है। ये भी तो हो सकता है ना। देखो राकेश, वो आदमी भोपाल से आया है और भोपाल में तुम्हारे बारे में मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बराबर है। बात तो सही है। तो फोन लगा। मधु, मैं सोचा था पुलिस को फोन करने से पहले अगर एक बार हम लोग बिल्लो मौसी को फोन करके देख लें तो कैसा रहेगा। तुम कैसे आदमी हो राकेश? देखो राकेश, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर तुमने पुलिस को नहीं बुलाया तो मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूँ। मधु, मधु सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये सोचा था कि पुलिस वालों को यहाँ बुलाएंगे तो जबरदस्ती झमेला होगा है, इससे अच्छा हम उसको खुद घर से बाहर निकाल लेते। हाँ मैम सब बराबर है। अभी क्या पुलिस आएगी तो खाली पीली उन लोगों को 200-400 रुपए देना पड़ेगा। अयो फिर ठीक है, यही सही, लेकिन उसे निकालेगा कौन? अरे हाँ, उसे निकालेगा कौन? अरे इसमें इतना सोचने का क्या है? रिलेटिव किसका है? सांप का, तो सांप ही निकालेगा। व्हाट? नहीं 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 मधु, नहीं आंटी, मैं उसे नहीं निकाल सकता आंटी। अयो कैसा बात करता जी तुम? तुम इस घर का मर्द, तुम नहीं निकालेगे तो क्या मधु निकालेगा? आंटी, घर से निकालने के लिए औरत और मर्द का क्या चक्कर है? ये मधु का घर है, मधु उसे निकाल देगी। क्यों मधु? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम निकालोगे और सिर्फ तुम। इज दैट क्लियर? ठीक है ठीक है, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं उसे डरता थोड़ी हूँ। आ जाने दो उस चीटर को। सब बेकार है। सुनिए, बात मत करना मुझसे। जी? आग लगी है मेरे दिमाग में, शोले निकल रहे हैं, शोले। कोई इमोशन नहीं बचा इस देश में। अच्छा हुआ जो 25 साल पहले में निकल गया। जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या खाक समझोगे? मुझे मेरे माँ बाप भाई बहन तक नहीं समझ पाए, इसलिए छोड़ के चला गया था सबको। और अब अगर आया हूं तो वो इसलिए कि खून के रिश्ते खींच लाए मुझे वापस। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ साले सब के सब अंग्रेज हो गए हैं, रिश्तों का हिसाब पूछते हैं, सबूत मांगते हैं। अब तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम मधु के पति हो? जी? तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है जिससे साबित होता हो कि ये लड़की तुम्हारी पत्नी है? जी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। तो बुलाओ अग्नि को विटनेस देने के लिए। तुम्हारा इडियट बैंक मैनेजर मुझसे मेरे भांजे का अकाउंट देखने का परमिशन लेटर मांगता है, कहता है सबूत चाहिए। इस देश में मामा अपने भांजे का अकाउंट तक नहीं देख सकता है। जी हाँ, देख सकता है कि नहीं देख सकता है? जी देख सकता है। लेकिन वो सबूत मांगता है, सबूत। कहता है आपको अकाउंट देखने का अधिकार नहीं। अधिकार? हिंदुस्तान में अपने बुजुर्गों को अपने बच्चों पर क्या अधिकार है? अब ये टके छाप 2 कौड़ी के इडियट मिडिल क्लास बाबू बताएंगे। लेकिन मनोहर लाल, उसे क्यों कोसता है तू? क्यों कोसता है उस बैंक मैनेजर को, जब तेरी अपनी खुद की बहू रिश्तों का मतलब नहीं जानती है? क्या
एक मामा को ये अधिकार नहीं है कि एक पराए मर्द को अपनी बहू से दूर खड़े रहने को बोल सके। जी अधिकार है कि नहीं है? जी अधिकार है, लेकिन सब बेकार, सब बेकार है। रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं बची है इस देश के अंदर। साले सबूत मांगते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं वापस चला जाऊं वहां जहां से आया था मैं, जहां पे ना कोई किसी का भाई है, ना बहन, ना मामा है, ना भांजा है। चल 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 मनोहर लाल, चल चल वही चल। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप कहां जा रहे हैं? हमेशा के लिए तुम्हारे यहां अड्डा जमाने थोड़े आया था। ज्यादा दिन रुक गया तो कल के दिन तुम ही कहोगे कि साबित करो कि तुम मेरे मामा हो या नहीं। इससे पहले कि ऐसी जलालत का दिन देखना पड़े, बेहतर है कि यहां से चला जाऊं मैं। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ना ये गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम भी नई जनरेशन के आदमी हो, एक दिन तुम सबूत मांगोगे। नहीं मैं आपसे सबूत नहीं मांगूंगा मामा जी। तुम सबूत मांगोगे? नहीं मामा जी, मैं आपसे सबूत नहीं मांगूंगा। Are you sure? Sure मामा जी। Are you absolutely sure? मैं absolutely sure। Are you 100% sure? मामा जी, I'm 150% sure मामा जी। Please मामा जी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए मामा जी। मामा जी प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाइए मामा जी। प्लीज प्लीज। अच्छा मेरे लाल, अगर तू इतना श्योर है तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। थैंक यू मामा जी। पप्पी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ और बहू के साथ सारी जिंदगी गुजार दूंगा। मेरे बेटा बस थोड़ी देर के लिए कपड़े बदल कर वापस आ जाता हूँ। देखा मधु, मैं कैसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। मधु मधु, अरे मैं मधु, मधु तुम कौन जा रही हो? छोड़ दो मुझे, शौक से रह लो धोखेबाज आदमी के साथ। आई एम लीविंग। अरे बेटा ये फ्रूट्स मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है बहू? इनफ, आई सेड इनफ, मत कहो मुझे बहू, यू फ्रॉड। क्या कहा? वही जो तुम सुन रहे हो, यू चीट। देखो देखो देखो, तुम गलत बात कर रही हो मुझसे। सिर्फ मैं नहीं, राकेश भी यही कहना चाहता है। कम ऑन राकेश, स्पीक अप, फॉर गॉड सेक स्पीक अप। मधु डिसाइड कर लो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इस चीट के साथ, इस धोखेबाज के साथ रहना चाहते हो? राकेश राकेश, समझाओ बहू को। देखो देखो, बेहतर है कि आप ही समझ जाओ। उठाओ अपना सामान और यहां से चलते बनो। से बात करने की तमीज भूल गया नाला। हमारे यहां बहू बेटियों पे हाथ नहीं उठाते, बनाते पाए। राकेश पुलिस को फोन करो। नहीं मधु, कोई पराया आदमी मुझे इतने कॉन्फिडेंस और इतने अधिकार के साथ थप्पड़ नहीं मार सकता। ये जरूर मेरे मामा जी, जरूर मेरे बाबा जी। आई एम लीविंग। दो दिन की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। गुड बाय। फिर भी एक बार उनसे पूछ तो लेते। गॉड राकेश प्लीज, ही इज नॉट योर मामा, ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ चीट। दरवाजा बंद कर दो। हाँ एम साहब, मैं अभी दरवाजा बंद करती हूँ। ये लो आपकी चिट्ठी। अरे थैंक यू थैंक यू। मैम साहब लेटर आया है। अरे हाँ, मेरे को ना याद आया, मेरे को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसको जरा निपटाते हैं नहीं आती है। अच्छा चाचा जी क्या प्रिय राकेश, बहुत बड़े हो गए हो तुम, कंप्यूटर इंजीनियर क्या बन गए, अकड़ कर मुंबई चले गए। मेरे साथ तेल का धंधा नहीं करते, लेकिन मेरे पास रह तो सकते थे। तुम बिना माँ बाप के बच्चे और मैं बे औलाद इंसान। सोचा था मेरे बाद मेरा धंधा तुम संभाल लोगे, लेकिन तुम चले गए। तुम्हारी तरह एक और आदमी 25 साल पहले हकीकत को मुंह चिढ़ाने हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका चला गया था निपट अकेला। मैं तुम्हारे दूर के रिश्ते के मामा मनोहर लाल की बात कर रहा हूँ। बड़ी जगह जाना है,
तो मुंबई क्यों, अमेरिका जाओ? मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मनोहर लाल को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अमेरिका में सॉफ्टवेयर का करोड़ों डॉलर का बिजनेस है मनोहर लाल का। अकेला है, ना बीवी है ना बच्चे, अपनी जायदाद के लिए वारिस ढूंढ रहा है। मनोहर लाल का ठीक से ख्याल रखना। थोड़ा झपकी है लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, हो सकता है तुम्हें अपना वारिस बना दे। अगर ऐसा हो गया तो समझूंगा सारे तीरथ कर लिया। बहू को आशीर्वाद तुम्हारा चाचा। अम्मा, वो तो कुछ देने आया था जी, और अब समझा कि वो यहाँ से कुछ लेने आया। सॉरी राकेश, I'm really sorry. अब रोना धोना बंद, रोको मामा को, चलो जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मामा जी को रोके हैं, रोको मामा जी को, चलो। सांस आ, अरे अच्छा हो तुम मिल गए, चलो चलो जल्दी चलो, एयरपोर्ट जाना है। अरे कहीं आप उन्हीं से मिलने तो नहीं जा रहे हैं जो टैक्सी बदल बदल के आते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? लो, अब मुझे कैसे नहीं मालूम होगा, उन्होंने तो ये लेटर दिया है, ये फाइल दिया आप लोगों को देने के लिए। और वो कहाँ है? कह रहे थे कि अमेरिका की फ्लाइट है, अब तक तो उड़ भी गए होंगे। काय हुआ मैम साहब, कुछ नया लफड़ा है क्या? अरे नहीं सविता, चलो अंदर चलो, लाओ दो यार। हाँ लीजिए, चलना है साहब? नहीं नहीं, थैंक यू। राकेश तुम ये लेटर पढ़ो। आंटी मैं क्या चिट्ठी पढ़ूं, इसमें तो मामा जी ने मुझे बहुत कोसा होगा। तुम्हें नहीं, मुझे कोसा होगा, बदतमीजी तो मैंने की उनके साथ। प्लीज अब पढ़ो भी। प्यारे राकेश, तुम चूक गए बच्चों। इसे कहते हैं रिजर्वेशन तो मिल गया था लेकिन गाड़ी में नहीं चढ़ पाया। मैं इंडिया आया था अपना वारिस ढूंढने। सबने तुम जैसे नालायक को सबसे ज्यादा लायक बताया, तुम्हें चलाया। शुरुआत भी अच्छी थी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी कंप्यूटर इंजीनियर के हाथ में जाती तो ठीक ही रहता। लेकिन तुम्हारे हाथों में तेल लगा था, खानदानी धंधा जो है हाथ आया, मौका फिसल गया। मैं किसी पल्लू की ओट में छुपने वाले और बीवी के इशारों पर नाचने वाले को अपना वारिस नहीं बना सकता। फिर भी दो दिन काफी मेहनत की मैंने, तुम्हारे बैंक गया, तुम्हारे बॉस से तुम्हारी रिपोर्ट ली, बहू के ऑफिस भी गया था जहां दूसरा ही तमाशा हो गया। खैर होता है, होता है। कभी कभी खीर कुत्ते के नसीब में ही होती है, घर वाले नहीं खा पाते। तुम फेल हो गए मेरे टेस्ट में, लेकिन अफसोस मत करना, तुम्हारा स्ट्रगल भी देखा मैंने, इसीलिए एक बंगला खरीद कर दिए जा रहा हूं। तुम्हारे लिए नहीं, बहू के लिए। अच्छे घर की बेटी है, बंगले में रहने की आदी है, और तुमने उसे एक फ्लैट में लाकर पटक दिया है, वो भी अपना नहीं कंपनी का। बेचारी बहू तुम जैसे गधे के साथ तकलीफें उठा रही है, बंगला बहू के नाम रहेगा? क्योंकि बहू जैसी बोल्ड और स्मार्ट लड़की प्रॉपर्टी को ठीक से संभाल सकती है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन पड़ोसन आंटी अच्छी लगी तुम्हारी, क्या कमाल के पकौड़े बनाती है। वाह, बाकी फिर कभी, आशीर्वाद तुम्हारा मामा। मधु, अब मत रो मधु, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने उस भले आदमी के साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत बुरी हूँ राकेश। मधु, राकेश शर्मा यही रहते हैं? जी हाँ। मैं तुम्हारा मामा है। मामा? हाँ मामा, मनोहर लाल पूरा नाम है, एम लाल छोटा नाम, कानपुर वाली बिल्लू मौसी का मैं भाई हूँ, मेरठ में पैदा, हुआ, पला बड़ा, फिर उसके बाद भोपाल में ग्रेजुएशन किया, अभी अमेरिका में हूँ, और अमेरिका में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस है मेरा। हो गया बोल के, पूरा हो गया ना बोल के? अभी इधर से कल्टी लेने का, इधर क्लाइमेक्स पूरा हो गया रे। ऐसा कहे? हो ऐसा चाहे। देवा, अब मैं मनोहर लाल नहीं हूँ, सॉरी, नमस्ते, बाय। सविता, ये क्या है? क्या है ना मैम साहब, ये मेरा मामा है, कोल्हापुर से आया है। अभी का है ना, मेरे खोली में रहने को जगह नहीं है ना, मेरे को क्या लगा तुम्हारा मामा तो नकली निकला, तो मैं सोची मैं मेरे मामा को तुम लोग का असली मामा बनाकर इधर चिपका देगी। इधर दूसरा ही चिलपड़ा हो गया ना, पर अभी मैं जाती है मेरे मामा के लिए भांजा ढूंढने, अगाई नहीं नहीं दूसरा खोली ढूंढने। आई एम सॉरी सॉरी। राकेश, अब तुम क्या सोचता जी? मैं ये सोच रहा था आंटी कि मामा जी ने बंगला मधु के नाम करके
एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो मेरे असली मामा हैं। कैसे? वो ऐसे कि समझदारों को बेवकूफ और बेवकूफ को समझदार समझना हमारे खानदान की उल्टी खोपड़ी वालों की पुरानी आदत है। राकेश, धीरे धीरे हाल हाल छम से छलकती, धीरे धीरे हाल हाल छम से छलकती, मकई के दाने जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती, बत्ती से तोड़ के।